हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है ये आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि एक भर्ती निकाली गई है जिसका नाम है UPPRD। और फ्रेंड्स इस भर्ती के बारे में बताएंगे हम आप लोगों को कि इसकी जो है भर्ती किस किस ज़िले में होगी और कुल कितने पद हैं, योग्यता क्या है, कौन कौन जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, वरीयता जो है किसको सबसे पहले मिलेगी, आवेदन की लास्ट डेट क्या है, सैलरी क्या है, चयन कैसे होगा, शारीरिक पात्रता क्या है। आज के इस वीडियो में जो है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है ये नोटिस स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात आप लोगों को ये बता दें कि UPPRD होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म होता है प्रांतीय रक्षक दल, और इसे जो है ग्राम रक्षक दल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो पद है ये चौकीदार यानी कि जो होम गार्ड होते हैं उसी तरह का जो है ये नौकरी है। फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि ये जो UPPRD पद है ये होम गार्ड के नीचे का पद होता है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें जो सैलरी है ये काफी अच्छी खासी होती है। इसमें जो सैलरी रहेगा ये 11,800 रुपए पर मंथ मिलेगा, यानी कि फ्रेंड्स आपको जो है डेली 395 रुपए दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि UPPRD में सेलेक्ट व्यक्ति को 11,800 रुपए पर मंथ की सैलरी दी जाती है। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि इसमें जो है कुल 1,465 पदों पर भर्ती होना है, यानी कि 1,465 पदों पर जो है भर्ती होना है। और फ्रेंड्स इसके लिए जो योग्यता है ये केवल और केवल 10th पास मांगी गई है। और इसमें जो है पुरुष के लिए 1,172 पद हैं, यानी कि 1,172 पद हैं, और जो महिला हैं उनके लिए जो है 293 पद हैं। और इसमें जो वरीयता है ये सबसे पहले ट्रेडमैन, ड्राइवर, कुक, मालिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, कारपेंटर, धोबी, प्लम्बर व इलेक्ट्रीशियन को दी जाएगी। और फ्रेंड्स इसके लिए जो एज लिमिट है यानी कि उम्र सीमा जो है आइए आप लोगों को बता देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जनरल के लिए जो है 18 से 45 साल उम्र होना चाहिए, और OBC के लिए जो है 18 से 48 साल एज होना चाहिए, और SC और ST के लिए जो है उम्र 18 से 50 साल होना चाहिए, तभी जो है आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को इसमें यह बता दें कि इसमें जो है केवल और केवल आप लोगों का इंटरव्यू होगा, और इसमें जो है आप लोगों के हाइट और सीना का माप मांगा जाएगा, उसी आधार पर जो है आप लोगों का इसमें सिलेक्शन होना है। और फ्रेंड्स आप लोगों को ये बता दें कि पुरुष जवानों के लिए जो हाइट है ये 167.7 सेंटीमीटर मांगा गया है, और SC कैटेगरी के लिए जो है 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। और जो पुरुषों का सीना है ये बिना फुलाए जो है 78.8 सेंटीमीटर मांगा गया है, और SC कैंडिडेट के लिए जो है 76.5 सेंटीमीटर मांगा गया है। और वहीं महिलाओं के लिए जो हाइट है ये 152 सेंटीमीटर मांगा गया है, और SC महिलाओं के लिए जो है हाइट 147 सेंटीमीटर मांगा गया है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है एक चीज़ और क्लियर कर दें कि महिलाओं के लिए जो है सीने की माप नहीं मांगी गई है, तो ये चीज़ जो है आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बता दें कि अभी तक जो है इसके ऑफिशियल नोटिस में एप्लीकेशन फ़ी के बारे में ये चीज़ें नहीं बताया गया है कि आप लोग जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसके लिए जो है कितना फीस लगेगा। अभी तक जो है ऑफिशियल नोटिस में इसके बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन इस संबंध में जैसे ही कुछ ऑफिशियल नोटिस आएगा तो हम आप लोगों को वीडियो बनाकर जरूर बता देंगे। तो फ्रेंड्स आइए जो है आप लोगों को बता देते हैं कि इसके जॉब लोकेशन के बारे में, यानी कि किस किस जिले में जो है इसकी भर्ती होनी है और किस जिले में जो है कितने कितने पद हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो भर्ती है ये यूपी के अयोध्या, बस्ती, सिद्धार्थनगर, लखनऊ, उन्नाव, संत कबीर नगर, गोरखपुर, आजमगढ़, महाराजगंज, बलिया, वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, कानपुर, बुलंदशहर, मेरठ, कासगंज, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बरेली और सहारनपुर में जो है इसकी भर्ती होनी है। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस जिले में कितने कितने पद हैं। और एक चीज़ आप लोगों को ये भी क्लियर कर दें कि ग्रामीण कंपनी में भी जो है इसकी भर्ती होनी है और सिटी कंपनी में भी जो है इसकी भर्ती होनी है। तो आप लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि लखनऊ में जो है कितना पद है, उन्नाव में कितने पद हैं और अयोध्या में कितने पद हैं, पूरा जो है आप लोग इस नोटिस में देख सकते हैं। इस नोटिस का जो है PDF फाइल हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर देंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग इसे वहां से जाकर डाउनलोड
कर सकते हैं, और जहां पर भी जो है आप लोगों को सुटेबल लगेगा, जिस भी जिले के हैं आप लोग जो है इसमें फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जो है ये चीज ये क्लियर हो गया होगा कि यूपी के जो है 21 जिलों में 1465 पीआरडी जवानों की भर्ती होगी, और जिसमें जो है 918 जवानों का जो है ग्रामीण कंपनी में चयन होगा, और कुल पोस्ट का जो है 20% यानी कि करीब 293 पदों पर जो है महिलाओं का चयन किया जाएगा, और सबसे अधिक जो है 320 जवानों की भर्ती लखनऊ में होगी, जो कि आप लोग जो है इस ऑफिशियल नोटिस में भी देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस भर्ती के संबंध में जो है इन 21 जिलों के जिलाधिकारियों को यानी कि डीएम को निर्देश भी दे दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आइए आप लोगों को एक चीज़ ये भी क्लियर कर दें कि आप जो है जिस जिले के हैं उसी जिले में जो है इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर लखनऊ जिले के हैं तब जो है आप बस्ती में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका जो फॉर्म है ये भरा जाना स्टार्ट भी हो गया है, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है ये 30 जनवरी है, तो ये भी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी से जो है आप लोग जाकर इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को जो है हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप लोग जो है ऐसे नए भर्तियों के बारे में जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।